रक्षाबंधन है, ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि चूंकि कल रक्षाबंधन का सबसे बड़ा त्यौहार है, ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि बहनें अपने भाइयों के लिए काफ़ी बड़ा तोहफा खरीदने के लिए बाजार आती हैं। चूड़ियों की अगर बात की जाए, अगर राखियों की बात की जाए, मैं दिखा पाऊँगा सामने, अगर हमारे दर्शक देख पा रहा होंगे, एक ये रायसेन के बेगमगंज में यहाँ पर मैं एशियन भारत मौजूद है, देख पा रहा हूँ चूड़ियों की दुकान यहाँ पर सजी हुई है, यहाँ पर महिला है अपने लिए चूड़ियाँ भी खरीद रही हैं साथ ही, और मैं बता पाऊँगा अपने दर्शकों को कि ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार है और अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए, रक्षा सूत्र बांधने के लिए महिलाएँ राखी भी खरीदेंगी, और मैं दिखा पाऊँगा सामने दर्शक के सामने जो महिलाएं दिख रही हैं, महिलाएं अपने भाइयों को बांट रही हैं, और ऐसे में मैं दिखा पाऊंगा काफी सामने जो देख पा रहा हूँ महिलाएं अपनी, मैं कह सकता हूँ कि बहनें अपने भाइयों के लिए आज रक्षा बंधन को लेकर राखी खरीदने के लिए आई हैं। सामने देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर देखे जा रहे हैं, और ऐसे में भाइयों के लिए बहनें जो है सामने मैं कुछ मेरे साथ बहनें मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करता हूँ, ऐसे में सामने भी हमारे दर्शक देख पा रहा हूँ कि ये बिल्कुल राखियों का बाजार यहाँ पर पूरी तरीके से, ऐसे में बात करने की कोशिश करेंगे, राखी खरीदने यहाँ पर आई हूँ, असर है ये भी हम देखेंगे, और हमारे दर्शक देख पा रहा हूँ रक्षाबंधन को लेकर पूरा त्यौहार है। क्या नाम है आपका? नेहा। कैसा लग रहा है भाइयों के लिए आप राखी बांधने आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जरा बताइए तो कैसे कैसा लग रहा है, और क्या खरीदा आपने भाइयों के लिए राखी खरीदी, भाइयों के लिए क्या उम्मीद है, बच्चे बहनों के लिए भाइयों का रक्षाबंधन देखिए कैसा लग रहा है। ये जो महिला है कुछ शर्मानी हुई कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर लगातार जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि चूड़ियाँ की बात की जाए, क्योंकि महिलाओं को चूड़ियों का जो है सबसे बड़ा शौक होता है, महिलाओं की चूड़ियाँ बात करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में हम दिखा पाएंगे की लगातार कोशिश करेंगे, और मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दूँ कि चूँकि रक्षाबंधन है, ऐसे में भाइयों के लिए पहले काफ़ी बात बाजार है, ऐसे में सब देख पा रहा हूँ महिलाएं लगातार राखी अपने भाइयों के लिए खरीद रही हैं, और ऐसे में हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ महिलाओं से मेरी बात हो, बहनों से भाइयों के लिए कुछ बात हो, ऐसे में हम यहाँ भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर दिखाएं यहाँ पर महिलाएं अपने भाइयों के लिए अपने कलाई में राखी बांधने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ अब यहाँ पर रक्षाबंधन है, और ऐसे में भाइयों की बहनों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार यहाँ पर हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेगा। क्योंकि भाइयों के लिए सबसे बड़ा बहनों के लिए त्यौहार रक्षाबंधन, क्या कहना चाहेंगे? जी रक्षाबंधन जी जी, और क्या उम्मीद रखते हैं अपने भाई से, चूँकि सबसे बड़ा त्यौहार है बहनों के लिए? अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्योंकि महंगाई का भी ऐसे में दौर है, और आप राखी खरीदने आ रही हैं, कौन सी राखी राखी पसंद है आपको, क्या क्या खरीदा देख रही थी, और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखो ये बहन थी अपने भाई के लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन कैमरे के सामने तो बोलने का पता नहीं है, और हम अपने दिखाएंगे सामने कि सामने जो बहनें हैं सामने दिखाई दे रही होंगी, चूँकि रक्षाबंधन है, और ऐसे में सबसे बड़ा त्यौहार जो है रक्षाबंधन माना जाता है, और ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि रक्षाबंधन है, और ऐसे में बहनें अपने भाइयों के लिए राखियाँ खरीदने आई हैं, और उनका प्रतिभा करने की कोशिश करते हैं, और मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ी बात कि महंगाई की बात यहाँ पर हो रही है, और कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करें, हाल की मैं बात करने की कोशिश करता हूँ पूरी पूरी वहाँ अभी सामने देख पा रहा हूँ, बाजार है बड़े बाजार हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं महंगाई की भी बात की जा रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ आसिफ भारत।